महज 26 साल की उम्र में सबसे युवा सांसद और उसके बाद हरियाणा की ताऊ देवीलाल की विरासत को संभालने वाले दुष्यंत चौटाला हरियाणा के रण में नतीजों के दिन सुबह एक नई किरण के साथ हुई थी, जिसकी उम्मीद भी थी, मगर किसी को ये भनक ना थी कि दुष्यंत की नेतृत्व में जेजेपी की युवा ब्रिगेड हरियाणा की सियासत में बड़ा उलटफेर करेगी। मगर शाम होते होते तमाम राजनीतिक दल दुष्यंत का जाप करने लगे। यही वजह है कि जाटलैंड में दुष्यंत को किंग मेकर की भूमिका में लाकर खड़ा कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। 11 महीनों का जो संघर्षशील सफर है, आज हरियाणा बदलेगा, हरियाणा परिवर्तन की राह पर चलेगा, हरियाणा के अंदर एक नया उदेगा। और ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के सत्ता की जो विधानसभा की जो चाबी होगी वो जननायक जनता पार्टी के हाथ में होगी। मैं ये मानता हूँ ना तो बीजेपी 40 पार करेगी ना कांग्रेस 40 पार करेगी, और सत्ता की चाबी जो होगी वो जननायक जनता पार्टी के हाथ में। छब्बीस साल की उम्र में सांसद बनकर सियासत को अपनी धमक का एहसास दिलाने वाले दुष्यंत चौटाला ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो सियासत के सिकंदर हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर दुष्यंत ने साबित कर दिया है कि वो मैदान के महारथी हैं। तभी तो समर्थकों को उनमें ताऊ देवीलाल का अक्स दिखता है और युवाओं को बदलते हरियाणा की तस्वीर। मसलन दुष्यंत चौटाला बीते 5 साल में हरियाणा की सियासत में युवाओं के लिए सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे। कहते हैं पूत के पांव बाल्टी में ही दिख जाते हैं। तभी तो 1988 को हिसार के दारौली में जन्मे दुष्यंत चौटाला ने 2014 में 26 साल की उम्र में हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ा और 4,95,000 वोट से जीत हासिल की। 2018 में इनालो से अलग होकर नई पार्टी बनाई, जिसके गठन पर लाखों लोग जुटे। उस वक्त लोगों का ये हुजूम गवाही दे रहा था कि आने वाले वक्त में जेजेपी हरियाणा की नई सियासत की सूत्रधार बन सकती है। जिस वक्त देवीलाल की विरासत दो धड़ों में बटी, तब किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन जननायक जनता पार्टी हरियाणा की सियासत में गेम चेंजर बनकर उभरेगी और दुष्यंत चौटाला हरियाणा के रण में किंग मेकर बन जाएंगे। सांसद रहने के साथ वकालत की पढ़ाई करने वाले दुष्यंत चौटाला पर विधानसभा चुनाव में खुद जीतने का दबाव था, बल्कि पार्टी को मजबूती के साथ स्थापित करने की बड़ी चुनौती भी थी, क्योंकि उनका मुकाबला महज बीजेपी या कांग्रेस के दिग्गजों से नहीं बल्कि खुद के खून के रिश्तों से भी था। बहरहाल आज हरियाणा की मौजूदा सियासी तस्वीर, हरियाणा की सियासत में जेजेपी की थमक और दुष्यंत चौटाला के बढ़ते कद की तस्दीक कर रही है। जरा सोचिए, चुनाव से पहले जिस नेता और उसकी पार्टी को चुनावी चर्चा में मुकम्मल जगह तक नहीं मिली थी, वो आज हरियाणा की सियासत की सुर्खियां बन गया है। जिस नेता को बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां कभी गंभीरता से नहीं लेती थी, वो आज उनकी सियासत की अहमियत बन गया है। तमाम चुनौतियों को पार कर दुष्यंत चौटाला आज सियासत का सितारा बन गया है, बीजेपी कांग्रेस की डूबती नैया का सहारा बन गया है। जो आज दुष्यंत चौटाला के जहन में कांग्रेस और बीजेपी को लेकर एक बात जरूर आ रही होगी कि जनाब, नंबर भले ही आपके ज्यादा आए हो, लेकिन सियासत के बाजीगर तो हम ही हैं और सत्ता की चाबी जेजेपी के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।